नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश हुआ है। हादसे में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की मौत हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आज सुबह ही प्रशिक्षण के लिए ये विमान रवाना हुआ था। हालांकि किस जगह क्रैश हुआ है इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इससे पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वायुसेना का मिग-21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें राहत की बात यह थी कि हादसे में पायलट सुरक्षित था। और साल 2020 नवंबर की बात करें तो मिग-29 के ट्रेनर विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार पायलटों में से एक को बचा लिया गया था, जबकि कमांडर निशांत सिंह का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तलाशी के दौरान लैंडिंग गियर, टर्बोचार्जर, फ्यूल टैंक इंजन और विंग इंजन काउंसलिंग सागर में देखे गए थे। 9 युद्धपोतों और 14 विमानों के अलावा भारतीय नौसेना के तेज इंटरसेप्टर को तट के साथ पानी में भी खोज के लिए तैनात किया गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त में केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया था। रनवे पर विमान फिसलने के बाद दो हिस्सों में टूट गया। वंदे भारत मिशन के तहत विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें 190 लोग सवार थे। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। और आज एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मिग-21 विमान क्रैश हुआ है, जिसमें पायलट की मौत हुई है।